नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर चलते चलते चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त अमित। जैसा कि हम अपनी वीडियोस के माध्यम से अक्सर आपको देसी गोपालकों से परिचित करवाते हैं, तो आज हम निमोद गांव में हैं, जो कि डिडवाणा तहसील और नागौर जिला राजस्थान के अंतर्गत आता है। जो ये सामने आप परिवार देख रहे हैं, ये जुगल किशोर शर्मा जी का परिवार है और इस परिवार ने यहाँ पर कुछ समय पहले ही ये गोपालन शुरू किया था। उनका गोपालन की तरफ से देसी गोपालन की तरफ कैसे रुझान हुआ, उसके बारे में पूरी चर्चा शर्मा जी से हम करेंगे। और आप देख रहे हैं थारपारकर की नस्ल की एक से एक सुंदर जो धन ये छांट छांट कर आसपास के क्षेत्रों से, जैसलमेर से, चांदन के आसपास के एरिया से, उधर से निकाल कर ये थारपारकर का धन लेकर आए हैं। और जो ये एक कामधेनु गायें आप देख रहे हैं, एक बिल्कुल लक्ष्मी का स्वरूप, ये गायें चांदन फार्म से ये लेकर आए थे। तो हम अंकल जी से पहले सबसे पहले जानना चाहेंगे। अंकल जी चरण स्पर्श, नमस्कार। अच्छा सर, मैं जानना चाहूँगा कि आपका एकदम से, आपने कहा था कि आपने 6 महीने के अंदर ये शेड खड़ा कर दिया और ये इतने सुंदर सुंदर आप गोधन ले आए यहाँ पर, तो कैसे आपका एकदम से आकर्षण पैदा हुआ? ऐसे हुआ कि हमारे यहाँ गौ कथा हुई थी, गौ कथा हुई थी, उसमें गोपाल श्रद्धा गोपाल दीदी थी, वो उसने 6 महीने पहले 2018 में गौ कथा की थी। अच्छा, फिर नवम्बर में उनके गुरु जी ने 31 वर्षीय वो अपनी पति आता के अंदर ये अपनी वो 12 महीने की जो कथा करते हैं जी जी, वो यहाँ की थी। उसके बाद में हमारा रुझान हो गया कि भाई ये गाय है तो ये देसी गाय में अच्छी नस्ल की थारपारकर गाय है, इससे अच्छी कोई गाय हो नहीं सकती जी जी, जिसका हमारे को ये प्रत्यक्ष मालूम हो गया। जब हम गाय जुलाई से गाय ले हैं जी जी, उससे हम उसके पहले हम वो अमेरिकन गाय रखते थे जी, उसको हमने हाथों हाथ बेचा और मेरे डायबिटीज हो गया था। अच्छा, इस गाय का दूध पीने से डायबिटीज बिल्कुल साफ हो गया, मेरी घरवाली के डायबिटीज हो गया था। अच्छा, इसका दूध और दही माखन खाने से सारा मतलब डायबिटीज खत्म हो गया। और ये देख रहे हैं हमारे बच्चे लोग सुबह 7 बजे उठाने से नहीं उठते थे। अच्छा, सुबह 5 बजे उठते थे उठ के और अपने दिनचर्या को सारा चेंज हो गया इसके दूध से। इसका दूध मेरे ख्याल से अमृत से तो कम नहीं है। और अगर ये इसीलिए लाए कि भाई ये गौ संवर्धन हो और इससे 10-20 लोग हमारे जुड़े भी हैं, वो भी 5-7 लोग लाए हैं गाय और वो लाने की गाय की इच्छा कर रहे हैं। चांदन कृषि बारे में, चांदन को संवर्धन से हम एक बुल लाए हैं, ये 5-7 गाय वहां से लाए हैं और 5-7 गांव चांदन के आस पास से गाय लेके आए। मेरा बड़ा बच्चा है महेश शर्मा, जो बिजली बोर्ड में असिस्टेंट इंजीनियर है AEN है, उससे हुआ। और ये मेरा छोटा लड़का है जुगल किशोर और उससे छोटा लड़का है सुनील कुमार, तीनों ने एजुकेटेड है, इन्होंने पढ़ के सारी देख के दुनिया में घूम के, और ये बोला मेरे पापा हमें गाय लाए तो मैं बोल दिया लाओ। तो ये लाने के बाद हमारे को ऐसा हुआ, मैं बोला इतनी गाय नहीं और लाओ, नहीं अगर अच्छी नहीं होती तो हम क्यों बोलते। अगर ये गाय रखेंगे कोई भी भाई और इसका दूध पियेंगे तो उसको मेरे ख्याल से डॉक्टर जाने की 99% जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी आपने जैसे बताया कि इससे पहले आप होल्स्टीन फ्रीजियन गायें रखते थे, जर्सी गायें रखते थे, तो वो उनमें और इनमें क्या फर्क महसूस हुआ, क्योंकि साल भर तो 6 महीने हो गए आपको इनके साथ रहते हुए, क्या फर्क महसूस हुआ? वो फर्क पूरा हो गया साहब, जब वो गाय रहती थी वो तो हमको इतना गुस्सा आता, उस गुस्से से हम कुछ भी कर बैठते। अच्छा, इनका दूध पीने 6 महीने हमारा पूरा चेंज आ गया, हमको इतने ठंडे हो गए कि भाई सोचने की शक्ति आ गई, उस टाइम सोचने की शक्ति नहीं थी, सब कुछ बक दिया उस गाय पीने से, ये फर्क आ गया। अच्छा, उसमें क्रोध ज्यादा आता, क्रोध बिल्कुल क्रोध आता और बीमारियों का घर था, डॉक्टरों के पास आते जाते रहते थे, अब हमको 90% डॉक्टर जाने की जरूरत नहीं है, कोई नहीं हो जाता है होती है अलग बात, बाकी इन रात को और दिन को हमारी ये रहती है गाय भाई, वो गाय पहले हम घर पे रखते थे तो हमको चिंता रहती है, हमको कोई चिंता ही नहीं है। गाय है ये माता का स्वरूप है और भारत के अंदर ये गायें रहेंगी तो हमारा देश विकसित भी होगा, स्वस्थ भी रहेगा, समृद्धशाली भी रहेगा और आर्थिक स्थिति से भी आप साउंड हो जाएंगे, क्योंकि आपका अगर ये आप दूध पियेंगे तो बलवान होंगे, तो कमाई ज्यादा करेंगे। बहुत बहुत बढ़िया। अच्छा, मैं
अब अंकल जी से बात हो गई है, जुगल किशोर भाई से और बात कर लेते हैं। अच्छा भाई, आपने एकदम से 6 महीने के अंदर ही संख्या काफी बढ़ा दी, तो अभी सबसे पहले कौन सी गायें लेकर आए आप? देसी गायें? देसी गाय थी, पापा को एक मिलने वाले थे हमारे, तो पापा ने बोला कि एक नागौरी किस्म की हम गाय लेके आते हैं, दिखाइए। वो साथ में चलते चलते दिखा दीजिए। तो वो भी गाय बहुत ही उन्नत किस्म की थी। अच्छा, ये गाय सबसे पहले लेके आए थे? लेके आए थे, उसको हमने घर पे रखा था। ये बहुत ही हमारे लोकल एरिया की सबसे सर्वश्रेष्ठ गाय है, नागौरी नस्ल की गाय है। इसका हम्प देखिए आप, इसके गलगम्बद देखिए, इसके अंदर इसकी बॉडी लैंग्वेज देखिए आप, बहुत फुल हाइट लेंथ लेती है गाय। बिल्कुल। ये गाय लेने के पश्चात में हमने सोचा, भाई साहब ने कहा कि थारपारकर गाय पे अपन काम करें। तो हमने सोचा कि थारपारकर गाय लेने जाए तो लाएं कहां से। तो फिर हम आपका चैनल पे हमने देखा था कि धाने के गांव में गायें मिल रही थी थारपारकर की, वो ऑक्शन चल रही थी। तो हमने कहा वहां से हम गाय लेने जाएंगे। तो हमने वहां गाय लेने गए, तो वहां पे हम गाय लेने गए, लेकिन वहां पे तो लोगों की भीड़ देखी, संख्या देखी, तो हमने सोचा कि देसी गाय में तो कुछ है, 100% है, कुछ ना कुछ तो है इसमें, कुछ तो है। इतना ही लोग यहाँ से, हरियाणा से, पंजाब से, चंडीगढ़ से लोग आए थे। तो हमने उसी दिन से ये मैटर कर लिया कि हम भी ऐसी नस्ल पे काम करेंगे और संवर्धन का कार्य करेंगे, जिससे कि अपने आसपास के जितने भी लोगों के पास ये HF, ये जो अमेरिकन गाय है, उनको हटा के शुद्ध देसी गायें ही घर पे पाली जाए। क्योंकि इस उसे क्या होगा कि जब हम रखेंगे तो हमारे साथ 10 जुड़े और जुड़ेंगे, तो यदि हमारे से लेने से 10 घरों में भी यदि देसी गोवंश पाला जाए तो हमारा मोटो सक्सेस है। हम ये सोचेंगे हमारा, जब हम जिस उद्देश्य से लेके आए थे वो उद्देश्य हमारा पूर्ण है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। जुगल किशोर भाई, आपका जो काम, जिस आप तरफ बढ़ रहे हो, वो वाकई में बहुत अच्छा है, प्रशंसनीय है। लेकिन फिर भी मैं एक और बात कहना चाहूँगा, आपका जो रुझान थारपारकर की तरफ है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरा एक छोटा सा निवेदन है कि आप नागौरी को भी थोड़ा सा संभाल के रखिएगा अपने एरिया में, वरना आने वाले समय में हो सकता है कि ब्राज़ील जैसे अब गिर हमें देने लग गया, कोई ऐसा देश, बाहर का देश आएगा और ये कहेगा कि हम आपको असली नागौरी देंगे और हम 1 लाख रुपए की, 2 लाख रुपए का भूण देंगे। तो अब ये ज़रूरत है कि नागौरी जैसे विलुप्त होती जा रही है, एक इतनी ऊर्जावान, जिसकी शरीर के अंदर इतनी क्रियात्मक ऊर्जा है, शक्ति है, वो प्राण ऊर्जा उसके अंदर है, उस नस्ल को हम कहीं खो ना दें दूसरी नस्लों के चक्कर में। तो जो नागौरी नस्ल है उसको बचाकर रखने की भी काफी जरूरत है। जी सर, मैं आपका सुझाव मानता हूँ, इसीलिए हमने नागौरी नस्ल को साथ में रखा है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया किया। नागौरी नस्ल को हम विकसित कर रहे हैं कि जो भी बाहर से आए तो वो कम से ये देखे कि नागौरी नस्ल भी ऐसी होती है, इसको भी हम विकास करें। नागौरी नस्ल पर भी हम पूरा ध्यान दे रहे हैं, इसका भी हमारे पास बुल अलग से लेके हम घूम के जाके बुल रखते हैं, इसका भी संवर्धन कार्य। आप इस बात का उदाहरण देख सकते हो, इस धरती के नागौर जिले के जो बुजुर्ग हुआ करते थे, उनके कितने बलवान होते थे, कितना काम करते थे वो। हाँ, शायद आप तो नहीं बता सकते, लेकिन अंकल बता सकते हैं कि उनके आदमी, वो बुजुर्ग हुआ करते, कितने मेहनती और कितने बलिष्ठ होते थे, वो सब नागौरी की। नागौरी गाय की, नागौरी गाय में इतनी शक्ति होती है, कितनी ऊंची पहाड़ कूद जाती है वो। हाँ। और कैसा भी संकट हो, संकट के अंदर वो घबराती नहीं गाय, घबराती नहीं। इसीलिए तो नागौरी आदमी, पहले के आदमी थे, उसके आज के बनिस्बत पहले के आदमी थे, बहुत मजबूत और बलिष्ठ थे, बलिष्ठ, और अभी भी गाय का दूध पीते हैं, देसी गाय का। ये गाय का तो, ये गाय का दूध बीमार आदमी को देते हैं, गाय का, गाय जो नागौरी गाय का, उसका दूध देने से वो ठीक हो जाता है, मरीज भी ठीक हो जाता है। बिल्कुल, बहुत बहुत। और हम इसका रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, नानी गो संवर्धन थारपारकर केंद्र का, इसका रजिस्ट्रेशन कराएंगे। नानी मेरी माँ का नाम था, मेरी माँ की प्रेरणा से ये काम हो रहा है। मेरी माँ तो खत्म हो गई, बहुत, पर मेरी माँ ने गाय रखी तो काम देनु गाय रखी थी। मेरे दादाजी ने भी गाय भी रखी, गाय रखी थी, उसे वो भगवान की कृपा हुई। ये यहाँ जो, यहाँ पर जो ये ट्यूबवेल बना रखी है, यहाँ पर हमारे बाड़ा था गाय का। अच्छा, वापिस वहीं देखो, ये काम हुआ, हमको मालूम नहीं था भाई ऐसा यहाँ हो जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले जुगल किशोर भाई ने कहा था कि हम आपकी वीडियो से प्रेरित होकर ये कार्य कर रहे हैं, तो मैंने इसका जवाब इनको दिया था कि ये वीडियो का अकेले का असर नहीं है, ये आपके पूर्वजों के संस्कार हैं, आपके परिवार के संस्कार हैं, आपके अंदर एक खून ऐसा था, इसीलिए आप देसी गाय की तरफ दोबारा से बढ़ गए और आप इसको दोबारा से संरक्षित करने की तरफ चल दिए। नहीं, ये क्या वीडियो के तो जरूर हुआ, क्योंकि जो सोए हुए थे ना, आपने जगा दिया हमको, ये वीडियो का ये फर्क पड़ा, हम सोए हुए थे। हाँ जी, हम चीज को, हमारे को मालूम था, हम सोते को याद में क्या याद आता है, आपका वीडियो देखा तो हम जग गए, जग गए, इस काम में लग गए। चलो, आप वीडियो देख के एक जगह और आपको अब देख के
100 आदमी और जगने वाले हैं, हजारों आदमी और जगने वाले हैं। आपने जगा दिया, फिर से देसी गाय फिर से ट्रेंड में आने वाली है। और मैं उम्मीद करता हूं कि साल दो साल के बाद फिर मैं यहां आऊं तो इतनी खूबसूरत खूबसूरत छोटी छोटी बछड़िया यहां पर थार पार कर की इस बाड़े में घूमती हुई विचरण करती हुई दिखाई दे। और ये जर्सी बहुत कम खाती है, उससे 30% खाती है, उससे दूध इसका बलवान होता है। वो 100% 100 किलो खाती है, 30 किलो खाती है। उस 30 किलो खाने के बाद भी इसका दूध A2 इतना बढ़िया है, उसका दूध कोई काम का भी नहीं है, खाने से बीमार हो जाते हैं। और ये पूरा देश को ख़त्म करने की साजिश के अंदर ये अमेरिकन गायें आई थी। अब अगर ये गायें रखेंगे तो आप देश का विकसित हो जाएगा, लोगों में दिमाग पलट जाएगा, सारी अच्छी अच्छी चीज़ें आ जाएगी, बुराइयां सली जाएगी अगर ये गायों का दूध पियेंगे तो, ये इसका असर है। बहुत बढ़िया। और अभी जो ये बछड़ा है कितने दिन पहले जन्म लिया था इस बछड़े ने शर्मा जी? 15 दिन का हो गया। अच्छा, अब ये पूरा दूध पीता है इसका, इसी के नीचे खुला रहता है, पूरे दिन पीता रहता है, घूमता रहता है। बहुत बढ़िया। ऐसे 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 जो बछड़े हैं, जब इनका पालन पोषण इस तरीके से होता है कि वो पूरा दिन अपनी माँ के साथ खुला रहे, तब उसका मन करे तब दूध पिया, तब उसका मन किया वो अपनी माँ के साथ खेला, और तब मन किया विचरण किया। तो ऐसे ऐसे जब पालन पोषण से नंदी तैयार होगा तो वो नंदी एक जनरेशन को पलट के रख देगा, यही हम कामना रखते हैं। और ये शर्मा परिवार की को हम दुआएं भी देते हैं कि इन्होंने इतना अच्छा काम किया और ये भगवान की कृपा से खूब फले फूले ये परिवार, और देसी गाय के संरक्षण के लिए काम इसी प्रकार से करता रहे। और इस परिवार का एक एक सदस्य गौ माता के साथ जुड़कर गाय के साथ काम करता रहे, स्वस्थ रहे, खुश रहे, आबाद रहे, मंगल रहे। इन सभी शुभकामनाओं के साथ हम इस परिवार से विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे एक और दूसरे परिवार के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।